सेट में एडमिशन दिया जाता था। एमसेट में 200 के अंदर रैंक मिलना है, अगर 200 के अंदर एमसेट में रैंक मिलेगा तो यहाँ पे सीट आएगा। बिलियन में 0000026 रैंक मिला है, ये इसलिए मिला है कि वो ठान लिया है कि इंशाल्लाह किसी ना किसी, तो इसके लिए पेरेंट्स का भी सपोर्ट की जरूरी है, टीचर लोगों का भी सपोर्ट की जरूरी है। जब पेरेंट्स और टीचर सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा सक्सेस हासिल करेगा। बाहर अगर या घर में नाश्ता दोसा खाएंगे, लोग सोचते हैं कि हम ड्राउस भी करते हैं, नींद आती है कि नहीं? लोग जब दोसा खाएंगे थोड़ा ड्राउस भी करेंगे या नहीं करेंगे? दोसा जो खाना आप खा रहे हैं, पानी आप पी रहे हैं, जो हवा आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स है। आपको बताना चाहता हूं और कंक्लूड करना चाहता हूं, जो हम एसी, बहुत सारे लोग एसी में होते हैं, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, हवा में मॉइस्चर कंटेंट की जरूरी होती है, इसका मॉइस्चर परसेंट। बेटा इधर 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 बेटा एक मिनट में सर सर प्लीज सर वो दे रहे से ले लेंगे ना बच्चों को। इधर देखिए मैडम प्लीज। सर नहीं दिख रहे सर, आप नहीं दिख रहे सर। देखो बेटा ये ट्रॉली कर दो, मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मोनार्क हाई स्कूल का डायरेक्टर हूँ एंड ऑल्सो कैट अकेडमी प्रेसिडेंट। तो आज के इस मौके पर मैं तमाम पेरेंट्स को जो है मुबारकबाद दे रहा हूँ जिनके बच्चों ने कैट एग्ज़ाम ने एक्सेल किया है और अपनी जो है काबिलियत को मनवा कर अपने अपने स्कूल से जो है चुने गए हैं। ये स्टूडेंट्स जो है हांगकॉन्ग, कैलकटा और बैंगलोर और हैदराबाद के जो है साइंस म्यूज़ियम का दौरा करेंगे, इससे जो है इन लोगों की जो है साइंटिफिक टेम्परमेंट, इनकी नॉलेज एनहांस होंगी और मुस्तकबिल में ये लोग जो है रिसर्च करने वाले एक साइंटिस्ट या ऐसे शख्सियतें बनेंगे, ये एज ए कैट टीम हमारा भरोसा है। सो आने वाली जनरेशन्स के लिए हम प्रेजेंट जनरेशन को कुछ ना कुछ एक इंस्पायरिंग ऐसा कुछ काम करना ज़रूरी है जिसके बिना पर हम वो लोगों को आने वाले दौर के लिए कुछ हमारी जनरेशन से उनको एक तोहफ़ा देकर जाएँ ताकि वो काबिल बने और अपने माँ बाप अपने स्कूल्स के साथ साथ हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें और हिंदुस्तान की जो है कंट्रीब्यूशन के लिए डेवलपमेंट के लिए ये जो है वो एक बेहतर असासा बने और इंडिया को जो है आगे बढ़ाने की जो है कंटिन्यूसली कोशिशें और काविशें करते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कैट एकेडमी का प्रोग्राम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िद किया गया था जिसके अंदर 10,000 बच्चों में से जो टॉप बच्चे 250 आए थे उनमें 12 बच्चे हांगकांग जाने के लिए जो सेलेक्ट हुए थे उनको और बैंगलोर के लिए जो 120 बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको और 30 बच्चे कोलकाता के लिए जो सेलेक्ट हुए थे उनको और बिरला प्लानिटोरियम में जो सेलेक्ट हुए थे उनको, तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को फिलिसिटेट किया गया। और इसके अंदर अनुपमा मैम जी और अल्ताफ़ साहब और कई जो है ना मेहमान ने खसूसी यहाँ पर जो है ना आज तशरीफ़ लाए और उनकी
उनके हाथों से उन बच्चों को फेलिसिटेट किया गया। माशाल्लाह 6 सालों से ये प्रोग्राम हर साल जो है ना मनाया जा रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को उभारने के लिए कैट एकेडमी की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है और इस प्रोग्राम की वजह से बच्चों में कई तालीमी जो है ना शऊर जो है पैदा हो रहा है और उनमें तख्लीकी और तहकीकी जो है ना सलाहियतें उभर रही है। माशाल्लाह इसी मकसद को लेकर हमने आज से 6 साल कब्ल कैट एकेडमी की शुरुआत की थी। माशाल्लाह इस साल 10,000 बच्चों ने इम्तिहान लिखा, उसमें से 250 बच्चों ने टॉप रैंक लाते हुए आज यहाँ पर उर्दू मस्कन खिलवत में जो है ना सर्टिफिकेट और जो है ना मोमेंटोज हासिल किए। मैं उन तमाम को ख़ास तौर पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे तमाम मीडिया के साथियों को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारा पैगाम आवाम तक पहुँचाया। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, तलबा व तालिबात के जो माँ बाप हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कैट एकेडमी के जब जब कोई प्रोग्राम मुनक्किद होंगे उसके अंदर आप लोगों का ताउन हमारे साथ रहेगा ताकि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें। यही हमारी आपके साथ गुजारिश है और यही हमारी जो है ना आपसे ख्वाहिश है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैट एकेडमी ऐसे स्कूल्स के बच्चों के लिए बनी है जहाँ पर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 15,000 सालाना फीस होती है, उससे बड़े स्कूल्स के लिए वहाँ के बच्चों के लिए हम एग्ज़ाम नहीं लेते। द रीज़न ये है कि ऐसे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं छोटे स्कूल में जाते हैं उनको घर और स्कूल के अलावा कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ऐसे बच्चों के पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। हम देखे गया है कि जहाँ पर बड़े बड़े फीस लेते हैं वहाँ के बच्चे पे करके 2 लाख 2.5 लाख पे करके इंटरनेशनल यूरोप ट्रिप करते हैं, तो उनके लिए एक मौका जाने का, लेकिन हमारे बच्चों के लिए मौका नहीं था। तो हम लोग क्या करें कि ऐसे स्कूल में जाके 3rd क्लास से 10th क्लास तक एग्जामिनेशन लगा के उसमें जो टॉप आते हैं उनको इंटरनेशनल नेशनल एक्सपोजर ट्रिप देते हैं। जो ट्रिप है खाली हम ले आके घुमाना नहीं है बल्कि साइंटिफिक माइंड बनाने के, बच्चों को साइंटिफिक माइंड बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और तीसरी बात, हम ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सके, उसकी प्रैक्टिस अभी से हम करा रहे हैं, ताकि क्योंकि हम देखते हैं लास्ट 25 साल से हमारे 50 साल से ओल्ड सिटी से कोई भी IAS IPS अफसर नहीं बना। हमारी ये कोशिश है कि आने वाले 10-15 साल के बाद में शायद हमारे ओल्ड सिटी से कोई IAS IPS बने, कोई साइंटिस्ट बने। मैं बहुत बड़ा इंस्पायर हूँ अब्दुल कलाम साहब से, क्योंकि उन्होंने भी एक छोटे गांव से आके बड़े साइंटिस्ट बने हैं, मुल्क को चलाए हैं। तो वैसे ही हमारे बच्चों में से भी कोई ऐसे कोई साइंटिस्ट बन सकता है या कोई अच्छा IAS अफसर बन सकता है। मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आप कुछ भी बनो, सबसे उससे पहले हम अच्छे इंसान बने। तो जज़ाकअल्लाह खैर। हम तमाम बच्चों से ख्वाहिश करता हूँ कि वो लोग इसको कंटिन्यू जारी रखें। अभी एक बार फेल हुए तो इसका मतलब नहीं कि ख़त्म नहीं हुआ है, अगले साल फिर एग्ज़ाम होता है, फिर कोशिश करिए। कोशिश करने से एक दिन हम कामयाब देते हैं। थैंक यू वेरी मच।